90.4 FM रेडियो खांची प्रस्तुत करता है इस आजादी के अमृत महोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है आजादी के मतवाले राही। और आज की कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे महान क्रांतिकारी राजकुमार शुक्ल से। आजादी के मतवाले राही सीरीज में आज बारी है राजकुमार शुक्ल की। राजकुमार शुक्ल ने वर्ष 1908 में दशहरा मेले के समय बेतिया के लौरिया, पिपरहिया, लौकरिया, जोगापट्टी, लोहियार या कुड़िया कोठी आदि गांवों में किसानों को एकजुट किया। किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। नतीजतन अंग्रेजों ने किसानों पर मुकदमा दायर कर उन्हें जेल में बंद कर दिया। किसानों पर चले मुकदमे की पैरवी के लिए राजकुमार शुक्ल बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना और कलकत्ता आदि शहरों में जाकर वकीलों से मिले और किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। चंपारण में किसानों के शोषण से जुड़े समाचार तत्कालीन बिहारी अखबार में प्रकाशित होते थे। बाद में कानपुर से प्रकाशित प्रताप में 9 नवंबर 1913 को किसान समस्या को प्रमुखता से छापा गया। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। उन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की बात उन्हें बताई। अब शुक्ल के जीवन का एकमात्र उद्देश्य महात्मा गांधी को चंपारण की धरती पर लाना बन गया था। इसके लिए वे दिन रात जुट गए। 10 अप्रैल 1914 को बांकीपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ और 13 अप्रैल 1915 को छपरा में हुए कांग्रेस सम्मेलन में पंडित राजकुमार शुक्ल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सम्मेलन में पंडित शुक्ल ने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति और अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार को सभी नेताओं के सामने रखा। इसके बाद शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। 26 से 30 दिसंबर 1916 को लखनऊ में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचने के बाद शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलकर चंपारण के किसानों का दर्द बयां किया और गांधी जी से आग्रह किया कि वे चंपारण आएं। इस शख्स से पहली मुलाकात में गांधी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने उन्हें टाल दिया। इसके बाद भी इस जिद्दी किसान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे अहमदाबाद में उनके आश्रम तक पहुँच गए और चंपारण आने की जिद कर दी। ऐसे में गांधी से रहा न गया। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को कलकत्ता जा रहे हैं, वहीं आकर वे मुलाकात करें। कलकत्ता में पंडित राजकुमार शुक्ल से भेंट करने के बाद गांधी शुक्ल के साथ 10 अप्रैल 1917 को बांकीपुर पहुंचे और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए 15 अप्रैल 1917 को चंपारण की धरती पर अपना कदम रखा। यहां उन्हें राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया गया। कांग्रेस की प्रत्यक्ष मदद लिए बगैर यह लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ी गई। इसकी वहां के अखबारों में भरपूर चर्चा भी हुई, जिससे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह यहाँ पिछले 135 वर्षों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। साथ ही नीलहों का किसान शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाद में गांधी विश्व के बड़े नेता बनकर उभरे। चंपारण में ही उन्होंने यह भी तय किया कि वह आगे सिर्फ एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। गांधी को चंपारण लाने और सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने में पंडित शुक्ल की अहम भूमिका रही। आंदोलन में अपनी जमीन जायदाद सब कुछ न्यौछावर करने वाले शुक्ल के बाकी दिन गरीबी में बीते और अपना काम पूरा करने के बाद शुक्ल 20 मई 1929 को दुनिया छोड़ गए। विवेक आर्यन की आवाज में आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजादी के मतवाले राही। और इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी सुझाव या फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर पे। हमारा नंबर है 9472786904। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे शो की अगली कड़ी में 90.4 FM रेडियो खांची पे। जय हिंद।